सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू पार्टल वॉक्स। पार्टल वॉक्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सुबह के बच्चों के साथ, राइट। और ये सेकंड व्लॉग है गोवा का। अभी आज हम पूरा दिन साउथ गोवा एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखेंगे क्या क्या है। अभी तो फिलहाल जो 16 जन का ग्रुप था उसमें से हम लोग अभी 6 जन, हाय ये 6 जन है जो हम लोग फिलहाल साउथ गोवा जा रहे हैं, क्योंकि बाकी सब लोग सो गए। हम लोग ने बीच में पार्टी वार्टी किया काफ़ी अच्छा खासा, जो आप लोग ने देख लिया होगा। तो अभी हम लोग 6 जन मिलके जा रहे हैं साउथ गोवा। नींद के वो कोई भी नहीं सोया है, 24 वी आर चार्ज्ड अप। और अभी साउथ गोवा जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। सुबह की शुरुआत अगर चाय से नहीं की तो कैसे चलेगा मेरा भाई। अभी चाय पी के आगे का सफर तय करते हैं। कड़ी तपस्या के बाद 3.5 घंटे के बाद फाइनली हम लोग बटरफ्लाई बीच पहुंच चुके हैं। अंजुना बीच जहाँ पे हमारा विला था वहाँ से तकरीबन 88 किलोमीटर के दूरी पे ये बटरफ्लाई बीच है। ये खूबसूरत बीच है, जो ये बटरफ्लाई बीच है मेरे, क्या बात है। आईफोन 13 कैन जस्टिफाइड। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम भी चढ़े थे थोड़ा माउंट एवरेज, इतना कुछ है भाई चढ़न काफी।
दिस वॉज आर बटरफ्लाई बीच का टूर, काफ़ी मज़ा आया, 3.5 घंटे लगे, राइट. नाश्ता पानी किया, दो बार ब्रेक लिए, एंड स्कूटर आई गेस हम लोग पूरा एंड तक लेके आ गए. अगर आपने देखा होगा, अलाउड नहीं किया, बट हम लोग को ये टाइम पे कोई नहीं था तो हम लोग अंदर लेके आए. हमारे साथ साथ 10-15 जन और लेके आ गए. तो काफ़ी सुंदर बीच है, जैसे कि आप देख सकते हो माहौल यहाँ पे कोई नहीं है, शोर शराबा नहीं है, गर्दी नहीं है, चिल्लम चाली नहीं है. आप यहाँ पे आ सकते हो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और एंजॉय कर सकते हो. 4-व्हीलर्स के लिए बैड न्यूज़ है गाइज, काफ़ी चलना पड़ेगा. 2-व्हीलर जिसके पास है भाई, शॉर्टेड प्लान है, चल के हालत ख़राब हो जाएगी. इट्स ऑल अप टू यू. अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चेकआउट करते हैं. तो चलिए, सो हियर वी एट काबोडरामा फोर्ट, जो कि बटरफ्लाई बीच से कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे की दूरी पे. तो अभी ये हम जगह एक्सप्लोर करेंगे, देखते क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें यहाँ पे होती है. चलो, तो कुछ इस तरीके का है एंट्रेंस. तो वी आर एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि फोर्ट के लगभग पीछे है, पूरा सी है पीछे, राइट. बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सही है, काफ़ी पीसफुल काम है, एकदम रिलैक्स आप कर सकते हो यहाँ पे. पूरा दिन का आपका थकावट जो है पूरा वो निकल जाएगा. इट्स अ बेस्ट प्लेस टू विजिट अगेन. बस थोड़ा ट्रैकिंग वाला माहौल है तो आपको झेलना पड़ेगा, और कुछ नहीं. चलो, हम लोग गोवा की गलियों में घूम रहे हैं गाइस, राइट. फोर्ट देख लिया, खाना खा लिया अच्छा खासा, अभी हम लोग घूम रहे ऐसे ही. तो यहाँ पे मेरे को एक बहुत सही चर्च दिखा, आपको भी दिखाता हूँ, देखिए. इस तरीके से था हमारा गोवा का ट्रिप, और यहीं पे गोवा का वीडियो जो है वो एंड होता है, और हम हमारे घर पे आ चुके हैं, काम धंधे में लग चुके हैं, राइट. और अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. विद दिस, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.